हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीटीआई भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जी हाँ साथियों, पीटीआई भर्ती में आपत्तियां, कितनी आपत्तियां दर्ज करवाई है अभ्यर्थियों ने, उस पर अपने चर्चा करने वाले हैं। और पीटीआई का परिणाम पे इसका क्या असर पड़ने वाला है और इसका अंतिम जो परिणाम है वो कब तक जारी हो सकता है या इस महीने नहीं होगा जारी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देख लीजिए आज की अपडेट, देख लेते हैं आज की जो न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि प्रश्न पत्र के सवाल एवं जवाबों की गलतियों के लिए एजेंसी जिम्मेदार, अभ्यर्थी क्यों भुगते खामियाजा। अध्यापक भर्ती परीक्षा के 9 पेपरों में ही आ गई 70,000 से अधिक आपत्तियां। प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाता था, जिससे 70,00,000 रुपये वसूले गए। और कौन कौन सी भर्ती के अंदर आपत्तियां, कितनी आपत्तियां लगी है, तो जो मुख्य भर्ती है अध्यापक भर्ती 2022, जिसके अंदर 70,939 आपत्तियां दर्ज की गई है। पीटीआई भर्ती के अंदर देख लीजिए तो जो 2022 के अंदर थर्ड ग्रेड भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर 14,997 आपत्तियां दर्ज की गई है। बेसिक कंप्यूटर निदेशक भर्ती 2022 के अंदर 9,499 आपत्तियां। वीडियो मुख्य परीक्षा 2021 के अंदर 3,283 और लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर 862 आपत्तियाँ दर्ज की गई है। इतनी आपत्तियाँ दर्ज हुई है पीटीआई भर्ती के अंदर, लगभग 15,000 के आसपास आपत्तियां दर्ज की गई है। अभ्यर्थियों ने 5 से 7 सवालों पर लगाई है आपत्तियां। प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर 5 से लेकर 7 प्रश्न तक आपत्तियां लगाई गई है। लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर मांग उठा रहे हैं कि या तो जो आपत्ति का शुल्क है वो कम कर दिया जाए, 25 रुपये कर दिया जाए, और या फिर 3 से 4 जो प्रश्नों पर आपत्ति है वो फ्री कर दी जाए, या फिर जो फॉर्म भरने का शुल्क होता है उसको कम कर दिया जाए। ट्विटर से ट्रेंड चला सकते हैं, पीटीआई परिणाम जल्द जारी करें। तो साथियों, उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारे जो ट्विटर हैंडल है उसको भी फॉलो कर लीजिए, ताकि अपने जो परिणाम को लेकर ट्वीट करें और जल्द से जल्द उस पर पॉजिटिव परिणाम आ सके। पीटीआई भर्ती का जो परिणाम है वो 10 अप्रैल तक आने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि 10 अप्रैल तक इसका परिणाम जारी हो जाएगा। तो साथियों, अपने को प्रयास करना होगा। आप ट्विटर पर ट्वीट करिए, सभी साथी ट्विटर पर ट्वीट करिए, मैं मेरे ट्वीट को जाकर रीट्वीट करिए, ताकि जल्द से जल्द पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी हो सके और आपको नियुक्ति दी जा सके। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी कोई नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।